स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, एडमिशन ओपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज, एडमिशन ओपन। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट फैशन मॉल, 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। नमस्कार, मैं हूँ एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज का जो अपडेट है कोरोना के खिलाफ अघोषित जंग का, वो पलामू जिला मुख्यालय मेदनगर के चंद्रशेखर आजाद चौक से हम सीधे ही बात दिखा रहे हैं कि सड़कें सुनसान हैं, आम तौर पर जितना दिखना चाहिए वो भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी कि लोग घरों में रहना सीख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर लॉकडाउन की तिथि नहीं बढ़ी है, लेकिन अब भी असमंजस का दौर जारी है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से टास्क फोर्स ने सीएम हेमंत सोरेन को जो सुझाव दिए हैं उसमें 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने के, वहीं चिकित्सकों ने बैठक के दौरान जो बातें कही हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पर था कि एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए और आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ताज़ा खबर के मुताबिक झारखंड में 2री कोरोना से मौत हुई है। हिंदपीढ़ी में रहने वाले, जो राज्य में 2री जो महिला संक्रमित पाई गई थी, उसके पति की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 56 साल बताई जा रही है। यही कहा जा सकता है कि लगभग मृतक कोरोना पॉजिटिव था और रिम्स में इलाज के लिए भर्ती 8 कोरोना मरीजों में से एक था, जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले, जिसके जहाँ से कोरोना की शुरुआत झारखंड में हुई थी। इसके अलावा अगर देश का हम अपडेट हाल बता सकें तो आप समझ लें कि 239 से बढ़कर अब संख्या 273 हो गई है, यानी कि मौत में इजाफा हुआ है उसकी संख्या में, जो बेहद चिंतनीय है। संक्रमण की लगातार संख्या बढ़ रही है, लगभग 7,447 से बढ़कर अब 8,356, यानी कि 8,300, 8,500 का आंकड़ा छूने में भी देर नहीं लगेगा, लगभग 10,000 के आंकड़े पहुंचने जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार के ऊपर दबाव है, शासन प्रशासन बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप लॉकडाउन का अनुपालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे खबरें हैं जो कि लॉकडाउन, बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, तालाबंदी का पालन करें, लेकिन पालन नहीं करने की वजह है कि पलामू के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत जो देवरी ओपी है, वहां पर एक शख्स की मौत इस वजह से हुई कि उसने तालाबंदी का पालन नहीं किया और मनोरंजन करने के बहाने वो बगल के पोखरा में चला गया और वहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई। भले इलाके में मातम है, मातम के साथ साथ लोगों को दुख है, लेकिन ये एक बड़ी सीख भी है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी कहीं पर भी कोई भी सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो सिर्फ कोरोना के खिलाफ। आप घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगा, क्योंकि आप ही एकमात्र हमारे उपाय हैं। आप घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। बाकी घर में रह करके देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। एपी लकी का नमस्कार।